और पहला क्रिकेटर हूँ जिसने कोई अवार्ड लिया है जम्मू कश्मीर की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय लेवल। बहुत गर्व महसूस होता है जब हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे वो किसी भी फील्ड में, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर का नाम ऊंचा होता है ना, जब भारत का नाम ऊंचा होता है तो बहुत गर्व महसूस होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। इस वक्त आप देख रहे हैं इस तमाम क्रिकेटर जम्मू कश्मीर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस आपको बता दूं कि विजय हजारा ट्रॉफी जो है उसके लिए ट्रायल मैचेस यहाँ पर वो हो रहे हैं, और तमाम बच्चों की जब सिलेक्शन होगी जितने भी क्रिकेटर हैं तो वो ये पूरा ग्रुप कोलकाता में जाकर जो है क्रिकेट खेलेंगे। ये ट्रॉफी जो है आपको बता दूं कि विजय हजारा ट्रॉफी है, इस पर पूरी जानकारी लेंगे। जानकारी के लिए हमारे साथ आपको बता दूं कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विनोद शर्मा हैं क्रिकेट एसोसिएशन के, और साथ ही साथ केसर मिर्जा प्रेसिडेंट राजौरी से क्रिकेट एसोसिएशन के। पहले हम विनोद शर्मा साहब से जानेंगे, सर क्या कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अब इस ट्रॉफी के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, ये ट्रॉफी विजय हजारा ट्रॉफी ये इस वक्त कलकत्ता के अंदर ये होने जा रही है, जिसके लिए ट्रायल्स यहाँ पे चल रहे हैं। ट्रायल्स के बाद कुछ बच्चे शॉर्ट हो जाएंगे, शॉर्ट होने के बाद यहाँ पे ट्रायल मैचेस होंगे, और परफॉर्मेंस बेस के ऊपर ही ये टीम बनेगी। जो बेस्ट टीम होगी वही हम बनाएंगे। यहाँ पर ऑल ओवर जो 23 अपनी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर कोने में से बच्चा यहाँ पे आया हुआ है। 110 बच्चे हैं, 110 बच्चों में से हमने 22 या 25 के बच्चों की टीम बनानी है। हमारी यही कोशिश है कि बेस्ट पॉसिबल साइड यहाँ पे बने और हमारी टीम वहाँ जाकर अच्छी परफॉर्मेंस दे। रिसेंटली अभी ये 20 का फॉर्मेट खेल के हैं, जिसके अंदर इनकी 65% परफॉर्मेंस थी। 3 मैच इन्होंने जीते हैं, 2 हारे हैं। इस दफा हमारी कोशिश है कि ये आगे तक ये अभी जो ये सर ये ट्रॉफी होने वाली है, ये ओडीआई है, क्या है उसके बारे में जानें? ये ओडीआई वन डे क्रिकेट है, 50 ओवर मैचेस होते हैं ये। जी। तो कैसे साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या जिस तरह से आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने जो क्रिकेटर्स हैं जो लगता है आपको कि वो अपनी जगह प्राप्त कर पाएंगे? नहीं, आज से पहले तो यहाँ पे कोई भी नहीं था, आज भी बहुत कम है, क्योंकि बिकॉज फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो लेकिन हम उनके ऐसा कर रहे हैं कि सबको यहाँ बुला रहे हैं। जैसे सर ने बोला, पहले तो यहाँ पे चुने जम्मू से या श्रीनगर से होते थे, या जो आगे पीछे जिनकी फैसिलिटी होती थी। तो अब ये है कि 21-22 डिस्ट्रिक्ट के सारे बच्चे आ रहे हैं, सबको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। कोई सिलेक्ट नहीं भी होगा उनको, एटलीस्ट उनको एक्सपोजर मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ खेल के, तो वो फर्दर जो अपनी गेम इम्प्रूव करेंगे और अपने आगे स्टेट में आ सकते हैं फिर वो। जी, विनोद जी, क्या लगता है जम्मू में, हम जम्मू की बात करेंगे इस वक्त, हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट में यहाँ के जितने भी क्रिकेटर हैं जो आपके अंडर हैं, कितने आपको लगता है कि जो अपने जो मुकाम हासिल कर पाएंगे, यानी कि स्थान प्राप्त कर पाएंगे? मेरा ख्याल है इसके अंदर जम्मू के लड़के कम से कम 60% तो इस टीम के अंदर आ जाएंगे, और 30% के करीब आ जाएंगे, श्रीनगर से आ जाएंगे, बाकी डिस्ट्रिक्ट में से जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं वो भी टीम के अंदर आ जाएंगे। तो सर, जिस तरह से अभी ये मैचेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रायल चल रहा है, तो इसमें जम्मू की अगर हम बात करें, यहाँ के जितने भी क्रिकेटर्स हैं
उनकी परफॉर्मेंस कैसी है? उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि जो 25 लड़के वहाँ पर गए थे उनमें से हमने उसको रिटेन रखा हुआ है, लेकिन अभी हम ट्रायल मैचेस करवाएंगे, उसके अंदर देखेंगे जो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो भी बच्चा करेगा उसको हम अंदर लेके आएंगे, जिसकी वहाँ पर परफॉर्मेंस कम थी उसको हम बाहर बैठाएंगे और जो अच्छी परफॉर्मेंस करे उसको हम अंदर लेके आएंगे। क्रिकेट की हम बात करेंगे, क्या यहाँ पर अब यूटी है, क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ख्याल रख पा रहा है इन तमाम स्पोर्टर्स का जो क्रिकेटर्स हैं? कि ये JKCA के साथ इन्वॉल्व है, इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, ये JKCA खुद ही सब कुछ करवा रहा है, लेकिन ये JKCA का जो 4 साल पहले जो सिस्टम था अब टोटल चेंज हो गया। पिछले 4 साल से जम्मू कश्मीर के क्रिकेट की टीम जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, हमारे 6 बच्चे अभी IPL में गए वहाँ पर ट्रायल देने के लिए, अभी उनको देखते हैं कि उनको कॉल आती है, एक ऑलरेडी IPL में खेला है मिस्टर अब्दुल समद है, परवेज रसूलिया इंटरनेशनल प्लेयर है, उसके बाद जो बाकी जो 4 बच्चे गए हैं जिन्होंने वहाँ पे अपने अपने राजस्थान रॉयल में गए हैं, मुंबई में गए हैं, जिन्होंने ट्रायल्स दिए हैं, अब देखते हैं कि उनको कॉल आती है कि नहीं आती है। चलिए शुक्रिया। तो दीपक जी बताएं, जो हमारे जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत गर्व महसूस होता है क्योंकि ये ही जितने भी क्रिकेटर्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे हम, और आपको ये भी बताते चलें कि तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि यही क्रिकेटर्स नाम रोशन करेंगे जम्मू कश्मीर का, भारत का। और अगर अब्दुल समाद की बात करें, परवेज रसूल साहब की बात करें, तो वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे परवेज रसूल साहब से, कि अगर आप तस्वीरें देखें दीपक जी इस तरफ की तस्वीरें भी बताएं, तो प्रैक्टिस के साथ साथ ग्राउंड की भी जो है पूरी देख रेख रखी गई है। और हम बातचीत करेंगे सर आपसे, एक सवाल रहेगा, कितना बदलाव आया है अब की क्रिकेट में? मुझे लग रहा है कि ये सवाल आपको क्रिकेटर से करना चाहिए और उन लोगों से करना चाहिए जो इस गेम को फॉलो करते हैं। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट पहले भी खेली जाती थी, मतलब 50 साल से खेली जाती है, बट अगर आप देखेंगे पूरा आज पूरा JNK का जो भी आवाम है वो फॉलो करता है अपनी टीम को, मतलब हमको क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमको कहते हैं कि यार ऐसा खेलना चाहिए वैसा, बट हम मतलब हम उससे खुश हो जाते हैं क्योंकि यार हमारे पीछे अब लोग हैं जो हमको हमारी परफॉर्मेंस वॉच कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है अगर कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म हो वो बहुत अच्छा है, उससे हम सीखते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले 2-4 साल से अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे, अभी JNK की वो आपको भी पता है, हर किसी को पता है कि परफॉर्मेंस के बेस पे अगर आप लास्ट ईयर की बात करेंगे, उससे पहले मतलब IPL के बाद IPL में लास्ट ईयर हमारे 5 बच्चे जो डिफरेंट रोल्स में थे, दुबई में एज ए नेट बॉलर थे, कोई IPL की टीम से खेल रहा था, उससे पहले इंडिया ए में मतलब बोर्ड अपना नॉर्थ जोन में हमारे लड़के जा रहे हैं और क्वालिफाई कर रहे हैं नॉर्थ जोन के लिए। तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी बड़ी बात है हमारे क्रिकेट के लिए, बट और भी चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत है। अभी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, मुझे लग रहा है कि अभी हमारे पास ग्राउंड एक आ गया है MS स्टेडियम, दैट्स वेरी गुड साइन फॉर क्रिकेट हियर, मतलब मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा है, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है सो दैट कि काफ़ी क्रिकेटर्स हमारे आए जो आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करें। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने खेला है, वहाँ पर किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, वो दर्शकों तक शेयर कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो भी क्रिकेटर मेहनत करता है हर किसी का एक ड्रीम होता है, ख्वाब होता है कि ऊपर लेवल पे खेले, इंडिया के लिए खेले, अपनी कंट्री के लिए खेले, तो काफ़ी मेहनत हुई, मेरे फादर ने मेरे कोचेस ने काफ़ी मेहनत की, उसके बाद परफॉर्मेंस हुई, परफॉर्मेंस के बाद मुझे इंडिया एक के साथ मैच मिला, उसके साथ बोर्ड प्रेसिडेंट के साथ मैच मिला, 7 विकेट लिए, उसके बाद उस सीज़न में 33 विकेट्स मैंने लिए, मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है, मतलब आपको एक हार्डवर्क के साथ साथ एक पूरा मतलब एक मेंटरशिप रहनी, मतलब जो आपको गाइड करे कैसे, मतलब अगर आप किसी विकेट पे बॉल डाल रहे हो तो मतलब वैसे लोग आपको होने चाहिए कि इस विकेट पे कैसे खेलना है, कैसे बॉल डालनी है, तो वो लोग मेरे साथ रहे, मुझे लगा काफ़ी मुझे हेल्प मिला। और जब मैं इंडियन टीम में गया तब पहले मैं इंडिया ए के साथ गया तो बड़ा एक मतलब ना वो नर्वसनेस थी पहले कि कैसे मैं यार, जब मैंने महेंद्र सिंह धोनी के साथ बात की तो एक मतलब ना उसके बाद प्राउड ऐसा फील होता है कि जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो और उनसे डिफरेंट चीज़ें आप सीखते हो, वो किस लेवल पे कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे वो अपने आप को फिट रखते हैं, और
बट वहाँ पे एक माहौल, मैंने एक चीज़ मैंने एक नोटिस की जो बहुत अच्छी चीज़ है कि जब मैं इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में गया तो मुझे नहीं लगा कि मैं नया हूँ कोई, तो वहाँ पे मुझे ऐसा फील कराया गया कि जैसे मैंने 50 मैच खेले भाई। मतलब फिर मुझे इस चीज़ का एक चीज़ इसमें मैंने नोटिस की कि उनको भी अब उनको भी पता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब हम भी पहले बिगिनर थे, हमने भी किस प्रोसेस से हम गुजरे, कितनी परफॉर्मेंस लेके हमको इस इंडियन टीम में जगह पाई, तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे और ऑल टुगेदर डिफरेंट फीलिंग होती है। अभी अगर आप डिफरेंट हमारे अभी लड़के डिफरेंट आईपीएल में लड़कों के मतलब टीम्स के साथ हैं, अब्दुल समद लास्ट ईयर एसआरएच के साथ और ही प्लेड ब्रिलियंटली वहाँ पे, अब मुझे लग रहा है कि अब लोगों को लग रहा है कि यार हम जब परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली ऊपर से आके खेले। एक सवाल, जब अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर आप खेले, कभी आपको डर लगा कि अब बल्लेबाज ऐसा है या बड़े लेवल का है या बड़ा बल्लेबाज है, मुझे गेंद कहाँ डालनी है क्या नहीं, इस बारे में? मुझे लग रहा है कि इस चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी क्रिकेट में थोड़ी बहुत हेल्प मिली वो है कि जूनियर क्रिकेट मैंने बहुत ज़्यादा खेला है, मतलब अंडर 14-16, मतलब जूनियर क्रिकेट का काफ़ी इम्पैक्ट रहता है। मतलब जब आप जूनियर लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके साथ आपके साथ जूनियर में भी अच्छे क्रिकेटर्स खेलते हैं, जैसे मेरे साथ विराट कोहली खेलते थे जूनियर में भी, तो वही क्रिकेटर जब आप ऊपर लेवल पे खेलते हैं तो मतलब मुझे लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे एक नर्वसनेस जब हुई जब मैंने मतलब पूरे क्राउड में खेला, मतलब मेरा पहला मैच आईपीएल में था पुणे वॉरियर्स वर्सेज केकेआर के साथ, तो 30-40 हज़ार लोगों के साथ पहले में जब मैं ग्राउंड में घुसा तो मुझे थोड़ा बहुत नर्वसनेस फील हुई। बट जब मैं पहला बॉल मैंने फील्डिंग किया तो मैं थोड़ा बहुत शांत रहा, उसके बाद मैंने एक जैक कैलिस की विकेट ली उसमें, तो थोड़ा बहुत तो रहता पता चल गया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। जी जी, डेफिनेटली फिर पता चलता है कि यार यहाँ पे अगर आप परफॉर्म करेंगे तो ऊपर लेवल पे डेफिनेटली खेल सकते हैं। कोई ऐसी चीज क्रिकेट में जो आपको बहुत खूबसूरत पल लगे हों, जो आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाना चाहें? मतलब बहुत सारे हैं, मतलब मुझे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट की हिस्ट्री में जब आप क्वालिफाई हमने किया, पहली बार जब हमने क्वालिफाई किया, उसके बाद लास्ट ईयर भी हमने क्वालिफाई किया, मतलब जब हम मैचेस जीतते हैं, मतलब एक दो मतलब तीन बार मैं टॉप ऑल राउंडर फिनिश किया इंडिया में, तो ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है कि पूरे इंडिया में इतने क्रिकेटर खेलते हैं तो टॉप ऑल राउंडर फिनिश करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, और पहला क्रिकेटर हूँ जिसने कोई अवार्ड लिया है जम्मू कश्मीर की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। सर, दो चीज़ें पूछना चाहूँगा, फेवरेट आपका बल्लेबाज और गेंदबाज को? नहीं, अभी तो डेफिनेटली विराट कोहली, मतलब जैसे उसने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, मतलब चाहे वो T20 हो, वनडे हो या टेस्ट मैच हो, और उसके बाद फिटनेस फील्डिंग, तो मुझे लग रहा है कि विराट कोहली अभी मुझे लग रहा है दुनिया में सबसे बेस्ट है। और बॉलिंग में मतलब काफ़ी बॉलर्स थे, ग्रेम स्वान हो गया, मतलब अश्विन है, या पहले होते थे मतलब नेथन लॉयन डालते हैं, मैं एज ए ऑफ स्पिनर हूँ तो इनको थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ। चलिए, शुक्रिया। जम्मू की शान कह सकते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने बड़े बड़े बल्लेबाजों की विकेट उखाड़ी है, यानी कि क्लीन बोल्ड परवेज रसूल साहब थे, गेंदबाज हैं और अपने गेंदों से ही छक्के छुड़ाए हैं क्रिकेटर्स के, बल्लेबाजों के। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, कैमरामैन दीपक मनाज के साथ।